सो आर आम डिस्कसन करवा कौन अबाउट डोमिनेंट एपिस्टासिस है ओके सो जमी कहली तो एपिस्टाटिक जीन रईदर आम कौन कर डोमिनेंट फॉर्म टा सप्रेस कर ना केजे रिसेसिव फॉर्म सप्रेस कर तो से अनुसार आम दि प्रकार ओके सो डोमिनेंट एपिस्टासिस जो रहा तो डोमिनेंट एपिस्टासिस माने कहले ना रु ही जना पड़ पड़ो है ओके सो एपिस्टासिस ओके एपिस्टासिस ड्यू टू डोमिनेंट एलिलिक फॉर्म ऑफ एपिस्टाटिक जीन हला ओके सो जदि आमर एपिस्टासिस होउछि ड्यू टू कौन जे आमर डोमिनेंट एलिलिक फॉर्म ऑफ एपिस्टाटिक जीन हला देन इट इज कॉल्ड व्हाट डोमिनेंट एपिस्टासिस हला ओके सो एग्जांपल गोटे देखिबा तो केमे दे आमर डोमिनेंट एपिस्टासिस टा होउछि हला ओके देखो समर स्क्वॉश फ्रूट टा जोडे रहला ओके समर स्क्वाश फ्रूट जोड़ा था समर स्क्वाश फ्रूट रो टू टाइप्स रो आमर कौन था कलर था फ्रूट कलर सो समर स्क्वाश फ्रूट हैज टू टाइप्स ऑफ फ्रूट कलर ओके सो कौन कौन येलो एंड ग्रीन ओके हला ए जो फ्रूट कलर टा जोड़ा रहला ओके ए जो फ्रूट कलर एक्सप्रेशन पे बोले हला गोटे जीन था हला कौन वाई हला सो समर स्क्वाश रे फ्रूट कलर को एक्सप्रेशन पे बोले जीन हो कोडा जे वाई हला ओके तो वाई रो आमर कौन दीडा फॉर्म हला गोटे येलो आ गोटे कौन कर ग्रीन कर बिटवीन द येलो एंड ग्रीन येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन ओके सो जेहेतु येलोटा ग्रीन उपरे डोमिनेंट सो येलो पे बोले आम कैपिटल वाई यूज करवा एंड ग्रीन पे स्मॉल वाई यूज करिबा बुझा पड़ला हला सो समर स्क्वाश फ्रूट कलर एक्सप्रेशन पे बोले आमर कौन अच्छे कैपिटल वाई अच्छे हला जोड़ी कि आमर दि प्रकार से कौन करे हला पिगमेंट फॉर्मेशन करुच्चे तो जितेबाला येलो पिगमेंट फॉर्मेशन करुच्चे तो से टाइम रे फ्रूट कलर येलो आसीबो जितेबाला ग्रीन पिगमेंट फॉर्मेशन करुच्चे तो फ्रूट कलर कौन आसीबो जे ग्रीन आसीबो आउ दे जाक भितरे येलो होचे डोमिनेंट ओवर द ग्रीन सो एटा कैपिटल वाई एडी स्मॉल वाई ओके एठी सेम जगार आउ गोटे जीन था जोटा कि हूँ गोटे एपिस्टाटिक जीन हला सो देर इज अनदर जीन प्रेजेंट हला इन द फ्रूट ऑफ समर स्क्वाश हला व्हिच इज एपिस्टाटिक जीन हला एंड दिस जीन हला इज ए नॉन पिगमेंट फॉर्मिंग जीन ओके एटा होची नॉन पिगमेंट नॉन पिगमेंट माने कहले ये कोन जे किछ भी पिगमेंट फॉर्मेशन करूने हला जेहेतु किछ भी पिगमेंट फॉर्मेशन करूने तो सो दैट आरो किछ भी कलर नाही हला आउ आरो काम होची कोन ये कोन करिवो जे एपिस्टासिस शो करिवो कहा ऊपर एपिस्टासिस शो करिवो ए जो फ्रूट कलर ऊपर हला तो जदी ये ता ऊपर एपिस्टासिस शो कला ता माने कहले ये कोन करिवो जे हला आरो ए जो कलर जो फॉर्मेशन करबा जो जीन जाक रहला हला ताकु से कोन करिवो सप्रेस कर देबो सप्रेस कर देले कोन हबो ए कलर ऑफ फॉर्मेशन हे पारिबोनी ए कलर फॉर्मेशन हबोनी ता सहित ये जेहेतु किछि भी पिगमेंट फॉर्मेशन करूनी ता माने कहले कोन हबो जे फ्रूट टा कलर लेस हे जबो बुझा पड़छ ना नहीं है ना आईडिया हो ना तो ये हूँ गोटे एपिस्टाटिक जीन तो जेहेतु एपिस्टाटिक जीन टा है तो से ये कौन करे आपको सप्रेस करदी क्यारेक्टर को सप्रेस करदेला कहले वाई आउ पिगमेंट फॉर्मेशन कर पार कि ना ही कहले से येलो पिगमेंट फॉर्मेशन हेनी कि ग्रीन पिगमेंट फॉर्मेशन हेनी जदि पिगमेंट फॉर्मेशन किसी भी हैलानी है ना तो मैंने कहले येलो कि ग्रीन कलर किसी भी आईबनी है ओके ये जो रहला ये होचो गोटे नॉन पिगमेंट फॉर्मिंग जीन ता माने कहले ये किछ भी पिगमेंट फॉर्मेशन करूनी जेतु ये किछ पिगमेंट फॉर्मेशन करूनी सो दैट आउ किछ भी कलर आसीबो नाही तो ए केस रे कलर कोन पड़ आसीबो जे व्हाइट बुझा पड़छि हला आ ए जो एपिस्टाटिक जीन डा जो रहला हला ओके से एपिस्टाटिक जीन मन कर होचो कोन जे डब्लू हला ओके
ଯେମିତି କହିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନ୍ର ଆମର କ'ଣ ଥାଉଛି ଡୋମିନାଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଥାଉଛି ଆଉ ରିସେସିଭ୍ ଫର୍ମ ଥାଉଛି। ସିମିଲାରଲି ଡବ୍ଲୁର ବି ଦୁଇଟା ଫର୍ମ, ଗୋଟେ ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ ଡବ୍ଲୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ସ୍ମଲ୍ ଡବ୍ଲୁ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଆମେ କ'ଣ ଷ୍ଟଡି କରୁଛେ ଡୋମିନାଣ୍ଟ ଏପିଷ୍ଟାସିସ୍ ହେଲା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଲା ଏ କେସ୍ରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଡବ୍ଲୁ ଆମର କ'ଣ କରିବ ଏପିଷ୍ଟାଟିକ୍ ବିହେଭିଅର ସୋ କରିବ ଡୋମିନାଣ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା। ହ୍ୱେର୍ ଇଜ୍ ରିସେସିଭ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ରିସେସିଭ୍ କିଛି ବି କରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ତ ରିସେସିଭ୍ ଯଦି ରହିଲା ହେଲା ଇଟ୍ ହେଲା ଡଜ୍ ନଟ୍ ଏଫେକ୍ଟ, ଇଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ଏଫେକ୍ଟ ୱାଇ ହେଲା। ତ ରିସେସିଭ୍ ଫର୍ମ ୱାଇକୁ କିଛି ବି ଏଫେକ୍ଟ କରିବନି, ବଟ୍ କିଏ ଯେ ଡୋମିନାଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଆକୁ କ'ଣ କରିବ ୱାଇକୁ ଏଫେକ୍ଟ କରିବ ହେଲା। ଓକେ, ତ ଯେମିତି କହିଲି ଏଇ ଦ ଡୋମିନାଣ୍ଟ ନହେଲେ ରିସେସିଭ, ତ ଏଇଠି ଡୋମିନାଣ୍ଟ ଏଫେକ୍ଟ କରୁଛି ତ ରିସେସିଭ୍ କିଛି ବି ଏଫେକ୍ଟ କରିବ ନାହିଁ ହେଲା। ଓକେ, ତ କେମିତି ଆସିବ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖ, ଓକେ ସୋ ହେଲା, ତ ଯଦି ଆମେ ନେବା ସୋ ଡବ୍ଲୁ ଡବ୍ଲୁ ୱାଇ ୱାଇ ସ୍ମଲ୍ ଡବ୍ଲୁ ସ୍ମଲ୍ ଡବ୍ଲୁ ସ୍ମଲ୍ ୱାଇ ସ୍ମଲ୍ ୱାଇ ଓକେ ସୋ ହେଲା ଏଇଠି ଦେଖ। ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ସମର୍ ସ୍କ୍ୱାସ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ତା ପାଇଁ ବୋଲି କ୍ୟାପିଟାଲ ୱାଇ କ'ଣ କରୁଛି ୟେଲୋ କଲର, ତ ଏ ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲ ୱାଇଟା ଯେଉଁ ରହିଲା ଇଏ ଆମର କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବା କଥା, ୟେଲୋ କଲର୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବା କଥା, ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଡୋମିନାଣ୍ଟ ଏପିଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିନ୍ଟା ଅଛି ହେଲା, ଓକେ, ତ ଯେହେତୁ ଡୋମିନାଣ୍ଟ ଅଛି ତ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ଆର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ ସପ୍ରେସ୍ କରିଦେଉଛି। ଯେହେତୁ ଆର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା ସପ୍ରେସ୍ ହେଇଗଲା, ତା ମାନେ କହିଲେ ଆଉ ୟେଲୋ କଲର୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହେଇପାରିବ କି ଏଠି ନାହିଁ ହେଲା, ତା ମାନେ ୟେଲୋ କଲର୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହେଲାନି, ଇଏ ତ କିଛି ବି ପିଗମେଣ୍ଟ ଫର୍ମେସନ୍ କରୁନି, ସୋ ଦେଟ୍ ଆଉ କିଛି ବି କଲର୍ଡ ପିଗମେଣ୍ଟ ଆସିବନି। ତ ଏ କେସ୍ରେ ଆମର କ'ଣ ପଳେଇ ଆସିବ ଯେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ହେଲା। ଓକେ, ଏଠି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୁଁ କ'ଣ କହିଲି ହେଲା ଓନ୍ଲି କିଏ ସପ୍ରେସ୍ କରୁଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ଡୋମିନାଣ୍ଟ ଫର୍ମଟା, ହ୍ୱାର ଏଜ୍ ସ୍ମଲ୍ ଡବ୍ଲୁ କିଛି ବି ଏଫେକ୍ଟ କରୁନି। ତ ଯେହେତୁ ଏ ଜାଗାରେ ସ୍ମଲ୍ ଡବ୍ଲୁ ଅଛି ଆଉ ଇଏ ଆକୁ କିଛି ବି ଏଫେକ୍ଟ କରୁନି, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଏ ତା'ର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ନର୍ମାଲ ଯେମିତି ଗ୍ରୀନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବା କଥା, ଇଏ କ'ଣ କରିବ ଗ୍ରୀନ୍ଟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରିବ, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ହେଲା। ଓକେ, ଏବେ ଆମେ ଏଫ୍ ୱାନ୍ ବାହାର କରିବା, ଏଫ୍ ୱାନ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ନେବା, ଏଇଠି କ୍ୟାପିଟାଲ ଡବ୍ଲୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ୱାଇ ଆସିବ, ଏଇଠି କ'ଣ ସ୍ମଲ୍ ଡବ୍ଲୁ ସ୍ମଲ୍ ୱାଇ ଆସିବ ହେଲା। ଓକେ, ସୋ କ୍ୟାପିଟାଲ ଡବ୍ଲୁ ସ୍ମଲ୍ ଡବ୍ଲୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ୱାଇ ସ୍ମଲ୍ ୱାଇ। ଏବେ ଏଇଠି ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ଏଫ୍ ୱାନ୍ ଜେନେରେସନ୍ଟା ଆସିଲା ଆର କଲର୍ ହେବ କ'ଣ ହେଲା, ଏଠି ଦେଖ ହେଲା ଆମେ ସବୁବେଳେ ଫାଷ୍ଟ ପଢ଼ିଛେ ଡୋମିନାଣ୍ଟଟା ଯେଉଁଟା ଥାଉଛି ସେ ଡୋମିନାଣ୍ଟଟା ଆମର କ'ଣ ହେଉଛି ହୋମୋଜାଇଗସ୍ ଫର୍ମରେ ବି ଆମର ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଯେ ହେଟ୍ରୋଜାଇଗସ୍ ଫର୍ମରେ ବି ସପ୍ରେସ୍ କରିପାରୁଛି ହେଲା, ବା ହୋମୋଜାଇଗସ୍ ଫର୍ମରେ ବି ସେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହେଟ୍ରୋଜାଇଗସ୍ ଫର୍ମରେ ବି ସେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ହେଲା। ତା ମାନେ କହିଲେ ଏ କ୍ୟାପିଟାଲ ଡବ୍ଲୁଟା ହେଲା ନା, ଓକେ, ତ ଦୁଇଟା କ୍ୟାପିଟାଲ ଡବ୍ଲୁ ଥାଉ କି ଗୋଟେ ଥାଉ ହେଲା ନା, ଯେହେତୁ ଇଏ ଡୋମିନାଣ୍ଟ ତ ଇଏ କ'ଣ କରିବ ହେଲା ଆର କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟାକୁ ସପ୍ରେସ୍ କରିଦେବ ହେଲା। ଏଠି କଲର୍ କ'ଣ ଆସିଥାନ୍ତା ଯେ ୟେଲୋ ଆସିଥାନ୍ତା, କାହିଁକିନା କ୍ୟାପିଟାଲ ୱାଇଟା ସ୍ମଲ୍ ୱାଇ ଉପରେ ଡୋମିନାଣ୍ଟ ହେଲା, ୟେଲୋଟା ଗ୍ରୀନ୍ ଉପରେ ଡୋମିନାଣ୍ଟ, ତ କ'ଣ ଆସିବା କଥା ୟେଲୋ ଆସିବା କଥା। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଏ ଜାଗାରେ ଡୋମିନାଣ୍ଟ ଏପିଷ୍ଟାଟିକ୍ ଜିନ୍ଟା ଅଛି ୟେଲୋ କଲର୍ ଆଉ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ତ ଏଠି କଲର୍ କ'ଣ ଆସିବ ହ୍ୱାଇଟ୍, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ନା ନାହିଁ ହେଲା। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଆମେ ଆର କ'ଣ ବାହାର କରିବା, ଏଫ୍ ଟୁ ଜେନେରେସନ୍ ବାହାର କରିବା। ଏଫ୍ ଟୁ ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ କ'ଣ ବାହାର କ'ଣ କରୁଛେ ହେଲା ଆକୁ ସେଲ୍ଫ କ୍ରସ୍ କରିବା, ସୋ କ୍ୟାପିଟାଲ ଡବ୍ଲୁ ସ୍ମଲ୍ ଡବ୍ଲୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ୱାଇ ସ୍ମଲ୍ ୱାଇ କ୍ରସ୍, କ୍ୟାପିଟାଲ ଡବ୍ଲୁ ସ୍ମଲ୍ ଡବ୍ଲୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ୱାଇ ସ୍ମଲ୍ ୱାଇ ହେଲା। ଡାଇହାଇବ୍ରିଡ଼ କ୍ରସ୍ ମନେ ଅଛି ଗେମେଟ କେମିତି ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ ହେଲା, ଓକେ, ସୋ ଗେମେଟ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଲା ଆକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଭଳିଆ ଚେକର୍ସ ବୋର୍ଡ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ମେଲ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ ଆମେ କ'ଣ ଯେ ଫିମେଲ୍ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଓକେ, ସୋ ଗେମେଟ କେମିତି ଆସିବ କ୍ୟାପିଟାଲ ଡବ୍ଲୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ୱାଇ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଡବ୍ଲୁ ସ୍ମଲ୍ ୱାଇ, ସ୍ମଲ୍ ଡବ୍ଲୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ୱାଇ, ସ୍ମଲ୍ ଡବ୍ଲୁ ସ୍ମଲ୍ ୱାଇ ହେଲା। ଯେମିତି ଆମେ ଡାଇହାଇବ୍ରିଡ଼ରେ କରିଥିଲେ ସେମ୍ ସେମିତି, କ୍ୟାପିଟାଲ ଡବ୍ଲୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ୱାଇ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଡବ୍ଲୁ ସ୍ମଲ୍ ୱାଇ, ସ୍ମଲ୍ ଡବ୍ଲୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ୱାଇ,
स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई सेम एपटे भी कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई ओके ऑप्शन कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई सेम जमी आम कर कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई स्मॉल वाई कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल वाई स्मॉल वाई हला कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल वाई स्मॉल डब्ल्यू कैपिटल वाई ये कौन स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल वाई हेला ओके एबे कैरेक्टर जाक केमते हबो देखो हला कौन बोली कहली डोमिनेंट सप्रेस करबो रिसेसिव किछ भी करबोनी हला तो एडी कौन अछि डोमिनेंट अछि हला ता माने कहला आरो कैरेक्टर सप्रेस हेइ जबो हला सप्रेस हेगला माने कहले एडी कलर कौन आसीबो व्हाइट जोडी भी डोमिनेंट अछि डोमिनेंट माने सप्रेस आ सेटा कौन पड़ आसीबो जे व्हाइट कलर तो सेम एठी भी सेम डोमिनेंट व्हाइट सेम डोमिनेंट व्हाइट डोमिनेंट व्हाइट एटा भी व्हाइट सेम डोमिनेंट व्हाइट सेम डोमिनेंट व्हाइट व्हाइट एठी व्हाइट हबनी काहेकि काना एडी स्मॉल रिसेसिव अछि हला आ कहले डोमिनेंट जदि एफेक्ट करछि रिसेसिव एफेक्ट करिवन जेहेतु रिसेसिव एफेक्ट करिवन वाई तार कैरेक्टर एक्सप्रेस करि पारिबो एबे वाई देखो एडी कोन अछि कैपिटल वाई अछि आ कैपिटल वाई माने कहले कोन कैरेक्टर टा एक्सप्रेस होबो एठी येलो आसीबो बुझा पड़ला ना नहीं हला एठी भी देखो स्मॉल डब्ल्यू सप्रेस होबनी वाई जेहेतु वाई सप्रेस होबनी त देखो एडी कैपिटल वाई स्मॉल वाई अछि कैपिटल वाई टा स्मॉल वाई उपर डोमिनेंट सो दैट एडी भी कोन आसीबो येलो आसीबो बुझा पड़ा ना नहीं एठी व्हाइट एठी सेम व्हाइट एठी व्हाइट आसीब कि ना एठी कौन आसीब येलो कहीं येलो कैपिटल वाई रहला एठी स्मॉल डब्ल्यू सप्रेस करिवन दीड जाको स्मॉल वाई अछि दीड जा स्मॉल वाई माने रिसेसिव और रिसेसिव माने कोले कौन आसीब डी ग्रीन हेला ओके एबे आमे आरो कोन देखिबा फिनोटाइपिक रेशियो ओके सो फिनोटाइपिक रेशियो एडी देखो कोन आसिला एडी कोन अछि तीन प्रकार फिनोटाइप अछि कोन कोन तीन प्रकार फिनोटाइप अछि व्हाइट अछि येलो अछि ग्रीन अछि हला जोडा कहले हला नॉर्मल डाई हाइब्रिड वार चेंज ये रेशियो डा चेंज हे जिवो हला नॉर्मल डाई हाइब्रिड रा मार्क केते रहुथला 9:3:3:1 रहुथला चारि डा फिनोटाइप होथला फिनोटाइप केते रा तीनटा तो जोडा कहले हला ना तो जेहेतु ए जगह रा मार्क कोन होछि जीन डा मार्क कोन कर दोछि जे सप्रेस कर दोछि हला तो एफ2 जनरेशन नंबर ऑफ फिनोटाइप डिक्रीज हे जिवो तो नॉर्मली केते रा होथला चारटा फिनोटाइप होथला एडी केते रा फिनोटाइप हला तीनटा फिनोटाइप आसिला हला रेशियो कौन आसला देखो व्हाइट व्हाइट केत अच्छे देख बारटा येलो केतटा अच्छे तीन टा ग्रीन केत अच्छे गोटे सो एटा व्हाइट अच्छे एटा येलो अच्छे एटा ग्रीन अच्छे ओके तो तीन टा फिनोटाइप रेशियो कौन आसला 12:3:1 जीनोटाइपिक रेशियो डाइहाइब्रिड जमी सेम ही आसो 1:2:2:4 1:2:1:1 चार्टा एक चार्टा दुई गोटे चार हला ना सेटा जमी अच्छे सेमती ही आसो गोटे फिनोटाइपिक रेशियो चेंज आसो तो ये जिनस मन रख
बुझा पड़ा है तो ये हूँ कौन जे डोमिनेंट एपिस्टासिस बुझा पड़ा है ओके सिमिलरली आम नेक्स्ट देखा कौटा जो रिसेसिव एपिस्टासिस है ओके सेटा आउ गए भिडियो आम देखा।